नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है सोमनाथ यात्रा पार्ट टू। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सोमनाथ जाने के लिए आप किस तरह से आप जा सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट्स, और किस तरीके से आप जा सकते हैं, कहाँ से आपको डायरेक्ट बस सर्विस मिलती है। तो वो सारी जानकारी मैंने आपको पार्ट वन में दिखाई थी। पार्ट टू में मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो अपनी यात्रा की शुरुआत की थी वो दिल्ली से की थी, और हम लोग डायरेक्ट आए थे सबसे पहले अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट हमें दिल्ली से कोई बस या ट्रेन नहीं अवेलेबल थी डायरेक्ट सोमनाथ जाने के लिए। तो हमारा पहला दिन जो था अहमदाबाद में, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया, जो कि काकरिया लेक और जो वहाँ पर चिड़ियाघर था, जू था अहमदाबाद का, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया। तो अभी वीडियो में जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं टॉय ट्रेन, ये काकरिया लेक जो कि अहमदाबाद में, ये वहाँ का सीन है, और इसके बारे में मैंने फुल लोग पार्ट वन में दिखाया। अब आज का जो हमारा पार्ट है ये इस यात्रा का पार्ट टू है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और डिटेल्स में दिखाने के लिए मैंने इस यात्रा को पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री और पार्ट फोर में मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। तो आज मेरी इस यात्रा का ये पार्ट टू है, और आज मैं आपको लेके चलता हूँ अहमदाबाद में। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर जो अभी अटल ब्रिज बना है, ये बहुत ज़्यादा फेमस लोकेशन यहाँ की हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि हर कोई जो यहाँ पर आता है शाम के समय वहाँ पर ज़रूर जाता है, जो कि बहुत सुंदर लोकेशन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अंदर ये रहे, इसके अंदर हाँ पोड बोलते हैं। पोड क्या है मतलब? ये पुराने जो रिहायशी लोग रहते थे ना, अच्छा, जिस स्टाइल में नहीं ऊपर से ऐसा पोड का मकान कहते थे, अच्छा। गली सफरी होगी और ऊपर ऊपर तक एकदम होगा तो रहता, अच्छा, उनको पोड बोलते हैं। पोड में सोसाइटी कह लो आज का टाइम, उस टाइम की सोसाइटी से अमीर लोगों की, अमीर तो नहीं जर्नलिस्ट सब रहते थे मिडिल क्लास में, सब कोड में रहते थे, अमीर लोग तो हवेली में रहते होंगे। तो फिर ये कॉलेज है, आगे चढ़ जाएगा, ये चर्च है सामने, कॉलेज है आगे चढ़ के। कॉलेज बड़ा पुराना है तो? हाँ, मेरी मम्मी ने घर से पीटीसी करी थी, आईपी मिशन या हाई स्कूल। लाल दरवाजा मतलब अंदर दरवाजा भी है एक, वो नहीं पता है। और मार्केट अहमदाबाद की सबसे फेमस, सबसे बड़ी मार्केट इसके अंदर पर आती है, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर ऐसा है। ये क्या है, कौशिक आउटडोर जो लिखा हुआ है, क्या ये क्या है? मिला बाग में क्या है? बीआरटीएस स्टॉप है, बीआरटीएस स्टॉप है यहाँ पास। लकड़ी वाला ब्रिज का है तो बता, यही है, यही ब्रिज है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रास्ता देखो अमन, तू बताता रहे मुझे। ये रहा, लोहे का है तो मैंने लकड़ी का बना, तो लकड़िया खुलती कहते हैं। जो रहा पहली बार जा रहा हूँ ऐसे, तुम्हें काकरिया लेक और अहमदाबाद जू देखने के बाद मेरे पास अभी लगभग 5 घंटे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन है, वैसे तो यहाँ पर अहमदाबाद में घूमने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में जो यहाँ पर फेमस जो पिकनिक स्पॉट है या एक फेमस लोकेशन है, वो अटल ब्रिज है। तो शाम का जो नज़ारा होता है अटल ब्रिज का, वो बहुत सुंदर होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अटल ब्रिज। तो मेरे साथ है हर्ष और रमन। तो हर्ष स्कूटी लेकर आया था, तो हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। मेरे राइट साइड में जो आप बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये यहाँ की पार्किंग है। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ जाने के लिए आप पर्सनल ऑटो भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप सिंगल हैं तो रैपिडो बाइक कर सकते हैं, अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी भी आपको मिल जाएंगे, शेयर ऑटो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पार्किंग से जो यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, जो कि आपको फुट ओवर ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करेंगे और नीचे उतरेंगे तो सामने ही आपको टिकट काउंटर मिलेगा। यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज के जो आप राइट साइड में देखेंगे, बहुत बड़ा पार्क एरिया है, जो आप रिवर के साइड में ही ये पार्क बना हुआ है। तो यहाँ भी आप वॉक कर सकते हैं, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में बना हुआ है। तो शाम को यहाँ पर आप
वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें वो वहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि फिर उससे गंदगी ज़्यादा फैलती है, तो उस वजह से उधर खाना पीने की चीज़ें अलाउड नहीं की गई हैं। और इसके लेफ्ट साइड में ही यहाँ पर बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप चाइनीज़ और हर वेराइटी का खाना, गुजराती खाना, पंजाबी, आपको सभी वेराइटी का खाना यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस अगर घूमने की जगह पर जा रहे हैं तो थोड़े नॉर्मल एरिए से, जो नॉर्मल मार्केट में खाने पीने के रेस्टोरेंट होते हैं उससे थोड़े से कॉस्टली होते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो आप पूरे गुजरात में अगर आप कहीं भी खाना खाते हैं तो यहाँ पर क्वालिटी का फोकस किया जाता है और खाना पीना बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। तो खाने पीने की यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। और सामने जो भी आप देख रहे हैं टिकट काउंटर है, यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कैश में भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। अगर मैं टिकट की बात करूँ तो अभी तो जो टिकट का प्राइस था यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन था, तो यहाँ से टिकट लेने के बाद, और यहीं पर सामने की तरफ जो देख रहे हैं वो इसका एंट्रेंस है अटल ब्रिज का। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे लगभग 5 बजे और अभी बस थोड़ी देर में ही सनसेट होने वाला है, तो अगर आपको सनसेट का व्यू देखना है तो आप 4, 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाइए। तो ये देखिए टिकट 40-30 और सॉरी मैंने 50 रुपये बोला क्योंकि मुझे वहाँ पर 50 रुपये बताया था, लेकिन यहाँ पर अडल्ट का जो टिकट है वो 40 रुपये है। और टिकट लेने के बाद आप जब ब्रिज के ऊपर आएंगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का होगा। तो अभी आप वीडियो में सामने की तरफ देख रहे हैं, ये बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है और जो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसका जो एक असली मज़ा है ना देखने का वो शाम को होता है, जब सूरज छिपने के बाद जब यहाँ पर लाइट शो होता है तो ये उसमें बहुत सुंदर लगता है। इसके दोनों तरफ बहुत बड़े एरिया में जो है वॉक करने के लिए पार्क वगैरह बनाए गए हैं। तो सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 किलोमीटर है और इसके दोनों ही साइड में आप वॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन भी रखे गए हैं, तो आप अगर पानी की बोतल वगैरह कुछ भी कैरी करते हैं तो वो डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर आप फेंकेंगे तो कैमरे लगे हुए हैं तो इसके लिए आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है वहाँ पे। तो ये इसके दोनों तरफ भी ब्रिज हैं और इस जो ब्रिज की डिस्टेंस है दोनों तरफ वो 2-2 किलोमीटर की है और यहाँ पर शाम को आप वॉक कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ही सनसेट होने वाला है, तो ये अगर आपको यहाँ का सनसेट देखना है तो ये जहाँ से आपने एंट्री की है तो ये पूरा ब्रिज जो अटल ब्रिज है ये आपको क्रॉस करना होगा। पैदल जब आप वॉक करके सामने की तरफ जाएंगे तो वहाँ से आपको सनसेट दिखाई देगा। तो जो अभी मैंने पार्किंग एरिया दिखाया था वो पार्किंग की तरफ एक बिल्डिंग और है काफ़ी बड़ी, आप सामने की तरफ आप देखेंगे तो मैं आपको भी उधर ले जाकर भी वहाँ का व्यू दिखाऊंगा, तो वहाँ से आपको सनसेट का जो बेस्ट व्यू है वो आपको दिखेगा। तो अगर आपको सनसेट देखना है तो आपको ये पूरा पुल क्रॉस करके और आपको दूसरी तरफ जाना होगा। तो अभी थोड़ी देर में सनसेट होने ही वाला है तो मैं ये पुल पूरा क्रॉस करके और आपको सामने का नज़ारा दिखाऊंगा। तो अगर आप देखेंगे सामने से जो सनसेट है वो वाकई यहाँ का बहुत सुंदर लगने वाला है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा सनसेट होने लगा है तो लगभग 5 से 7 मिनट में ही सनसेट हो जाएगा। और वो जो सामने वाला पुल है वहाँ से हम आए थे और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर है। तो देखिए सामने की तरफ अभी दिख भी रहा है कि सनसेट होने वाला है और वो जो बिल्डिंग है वो पार्किंग वाली बिल्डिंग है और यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े होटल्स वगैरह भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। ये यहाँ का मेन जो व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा पुल क्रॉस करने के बाद जो सामने का व्यू कुछ इस तरह का होता है। तो अभी आप देख रहे हैं सामने की तरफ ये और यहाँ पर काफ़ी सारा अभी काम चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमेशा होता रहता है। तो ये इस पुल का पूरा व्यू है, देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है सामने की तरफ से अगर आप देखेंगे। तो ये जब मैंने अटल ब्रिज के बारे में सुना था तो मुझे लगा इस पे गाड़ियाँ वगैरह चलती होंगी, लेकिन ये जो ब्रिज है ये सिर्फ घूमने के लिए बनाया गया है, पिकनिक स्पॉट की तरह ये बनाया गया है। और ये देखिए ये जो नदी का जो बैंक है दोनों तरफ जिसका किनारा है ये बहुत बड़े एरिए में है और इसका पुल जो है ये भी बहुत विशाल बनाया गया है यहाँ पर। और इसका जो सनसेट है, तो जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो पार्किंग है जहाँ पर हमने स्कूटी पार्क की थी, तो वहाँ से जब क्रॉस करके आप सामने की तरफ जाएंगे तब ये आपको व्यू देखने को मिलेगा जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सनसेट देखना है यहाँ का तो ये पुल क्रॉस करके सामने की तरफ आएंगे और फिर लेफ्ट या राइट दोनों ही तरफ नीचे की तरफ उतरेंगे तो वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और थोड़ा सा वॉक करके आप जब राइट साइड में जाएंगे तब ये आपको व्यू दिखाई शानदार व्यू दिखाई देगा सनसेट का। तो अभी बिल्कुल सनसेट होने ही वाला है और जैसे ही सनसेट हो जाएगा तब यहाँ पर लाइट जो शो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्रूज़ भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्रूज़ का टिकट आप काउंटर से ही बुकिंग कर सकते हैं।
तो ये देखिए जैसे ही सनसेट होने लगा है थोड़ी थोड़ी लाइट आपको ब्रिज के ऊपर दिखने लगी होंगी। तो अभी यहाँ पर लाइट शुरू होने वाली है, आप सामने की तरफ देखिए, जैसे ही बिल्कुल थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा आपको फिर यहाँ पर एक शानदार लाइट शो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ उधर सामने की तरफ चेयर्स वगैरह बनी हुई है बैठने के लिए भी, वहाँ पर जहाँ से आपने एंट्री की थी उधर बैठने के लिए काफ़ी सारे ऐसे पत्थर की जो सीट्स वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ बैठकर पूरा ये लाइट शो का आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मतलब जब आप आएंगे तो यहाँ पर म्यूज़िक भी आपको सुनाई देगा, वो मैंने साउंड बंद किया हुआ है कॉपीराइट की वजह से। तो ये देखिए इस तरह अब लाइट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं अब इसको वापस जहाँ से हमने एंट्री की थी तो वहाँ से लेफ्ट साइड में थोड़ा चलने के बाद मैं आपको ये दिखाऊँगा। तो अब ये पुल के ऊपर का व्यू है और यहाँ पर अलग अलग तरह की लाइटें लगाई गई हैं, बहुत सारी मल्टी लाइटें हैं यहाँ पर। तो ये और आप क्लीनिंग की अगर बात करें तो देखिए कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप बोटल्स वगैरह लेकर जाएंगे आपको स्ट्रिक्टली वहाँ पर लिखा गया है, और जगह जगह यहाँ पर गार्ड्स वगैरह हैं तो आप वहाँ पर कचरा नहीं फैला सकते। तो ये उसका जो मैंने बताया था जब हम एंट्रेंस पर आए थे तो लेफ्ट साइड का व्यू है, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो शाम के समय ये कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट्स बड़े बड़े ट्री हैं यहाँ पे और लाइट उन पर पूरी लाइट लगाई गई है, तो जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ब्रिज का नज़ारा कुछ इस तरह का होता है, तो जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है उसी तरह से लाइट यहाँ पे और एक्स्ट्रा होती जा रही है। तो अभी यहाँ पर एक लाइट शो भी होगा, अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। तो सामने की तरफ देखिए क्रूज़ वहाँ पर देख रहे हैं, जो ये क्रूज़ है ये इस पुल के नीचे से ही निकलता है, और इस क्रूज़ का प्राइस मैंने नहीं पता कर पाया था, वैसे आप ऑनलाइन गूगल पर भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मुझे यहाँ से आज रात को सोमनाथ निकलना है, तो क्रूज़ का जो मुझे यहाँ पर इसका जो क्रूज़ की राइड थी वो मैं नहीं ले पाया, तो इसलिए चार्ज पूछने का जल्दी जल्दी में याद ही नहीं रहा, क्योंकि जाना ही नहीं था और मुझे यहाँ से रात में मैंने टिकट बुक किया था सोमनाथ के लिए, तो मुझे यहाँ से बस अब ये वाला शो देखने के बाद जल्दी से वापस से जो मैंने गीता मंदिर बस स्टैंड पे मुझे यहाँ से जाना है, तो बस ये शो ख़त्म हो जाएगा। और इस पूरे एरिया में घूमने में लगभग 2 से 2.5 घंटे यहाँ पे लग चुके हैं ऑलरेडी, तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले हैं, और खाना वाला भी जो है वो भी मैं वहीं जाके खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा है तो टाइम लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स वगैरह और पत्थर की सीट्स लगाई गई हैं, आपकी साइड में जो शानदार नदी की आवाज़ बहने की आपको आएगी, लाइट शो है, म्यूज़िक आपको सुनाई देगा, तो लोग यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। ये देखिए अब इसका नज़ारा आप देखिए सामने का, कितना ज़बरदस्त व्यू इसका लग रहा है अभी। तो ये अटल ब्रिज जो है, जब भी आप अहमदाबाद आते हैं ये लोकेशन आप मिस ना करें, ये यहाँ की बहुत सुंदर लोकेशन है। तो अहमदाबाद में जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको लोकेशन दिखाई थी वो चिड़ियाघर था वहाँ का, और काकरिया लेक तालाब है, ये आपने जो तारक मेहता का शो आता है इसकी बहुत सारी शूटिंग्स वहाँ पे हुई हैं अहमदाबाद के अंदर। तो ये देखिए अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स अभी आ चुकी हैं, और भी यहाँ पर अलग अलग लाइट के शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट्स में ही सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आप ज़रूर देखें। तो अभी देखिए फिर से यहाँ पे ये जो लाइट है ये इस तरह से पहले उधर जाती है फिर वापसी आती है, तो ये इस तरह का शो आप देखेंगे। और यहाँ पर भीड़ और जितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे भीड़ होती जा रही है, रात के समय यहाँ पर बहुत लोग घूमने आते हैं, और यहाँ पर लगभग आप 11 से 11:30 बजे तक आप रुक सकते हो। तो ये पूरा एरिया शाम के समय यहाँ पर बहुत चहल पहल होती है और बहुत सुंदर ये यहाँ का जो नज़ारा है वो लगता है। मसाला तेज करना अम्मा, मसाला नाखो वजारे, मसाला वजारे नाखो से। कितने साल से बना रहे अम्मा? वो तो 70-80 बार। कितने साल से बना रहे हैं? 80-82 गए। पैसे नहीं, कितने साल से बना रहे हैं सिकंदी? 80 साल की। तो ये मेन मार्केट है यहाँ की,
और इसे गीता मंदिर बोलते हैं। इस जगह का नाम है गीता मंदिर बस स्टैंड, और यहीं सामने से अब मुझे सोमनाथ बाबा के लिए दर्शन करने जाना है, और यहीं सामने से बस मिल जाएगी। नीचे यहाँ बहुत सारे ट्रैवल ऑफिस है, जिस होटल में मैंने रूम लिया था सामने, यहाँ पर आप पूरे दिन के लिए स्टे कर सकते हैं 400 रुपये में, अच्छा रूम था, साफ़ सुथरा। ये मार्केट है और ये पीछे पार्किंग है। खाने पीने का सारा सामान, मोबाइल एक्सेसरीज, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। और अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की तरफ। ये जगह है गीता मंदिर बस स्टैंड, और यहाँ पर ये जो बस दिख रही है सारी सोमनाथ के लिए, वहाँ तक जो वोल्वो लगी हुई है आगे तक, और इसका सिंगल स्लीपर है नॉन एसी 750, और वोल्वो का है एसी का, ये सामने देखें स्लीपर कोच, इसका 900 रुपये। और सीट भी गर्मा है, श्री हरि मस्त है, बढ़िया बस है एकदम, एसी चला। दोस्तों सोमनाथ यात्रा दर्शन का ये मेरा पार्ट टू है, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट थ्री, वो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और अब मैं निकल चुका हूँ, और सुबह मॉर्निंग में 5:30 तक सोमनाथ मंदिर पहुँच जाऊँगा, तो इसका पार्ट थ्री ज़रूर देखें। और उम्मीद करता हूँ ये लोकेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ आप इस यात्रा पर जाना चाहते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर अपने DM भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोई भी जानकारी आपको चाहिए होटल से रिलेटेड वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। और थैंक यू सो मच दोस्तों इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे अब 5000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, और जो अभी इसके बाद मुझे दिसंबर तक 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट थ्री में आपको मैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। जय भोलेनाथ, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए।